नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट में दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। जब आपके लिए मैं प्रोग्राम डिजाइन करूंगा तो कुछ ऐसे डिजाइन रहेगा जिसमें हम फर्स्ट नंबर टाइप करेंगे और सेकंड नंबर टाइप करेंगे, और जैसे हम प्लस पे क्लिक करेंगे नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इसको अचीव करने के लिए मैंने सबसे पहले आप लोगों के लिए एक HTML पेज डिजाइन किया है जिसमें कुछ चीजें मैंने आप लोगों के लिए पहले से डिजाइन की हुई हैं। यहां हमने डिजाइन किया फॉर्म, मैसेज दिया एंटर फर्स्ट नंबर। जब भी हमें एक टेक्स्ट फील्ड डिजाइन करना हो तो हम लिख सकते हैं इनपुट टाइप, जो विजिबल साइज रहेगी वो रहेगी 20। रिक्वायर्ड का मतलब कि ये नंबर आपको देना कंपल्सरी है। इसी तरह से हमने डिजाइन किया एंटर सेकेंड नंबर और हमने एक टाइप ब्लू नंबर दे दिया। हमें रिजल्ट शो करने के लिए एक बॉक्स बनाना है तो लिखा इनपुट टाइप ब्लू नंबर साइज 20। इसको मैं दिया रीड ऑनली, जिससे कि इसमें टाइपिंग आप नहीं कर पाएंगे। हमने इतना इनपुट टाइप टू बटन जिसके हमने वैल्यू थी प्लस, अभी हमने इस पे ऑन क्लिक पे कोई इवेंट नहीं दिया है। इनपुट टाइप टू में रीसेट डिजाइन किया है फॉर्म को क्लियर करने के लिए। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक डिव डिजाइन किया है जिससे कि मैं आपको कुछ मैसेज शो कर पाऊँ, जैसे यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है। अब हमें यहाँ पे आईडी इंट्रोड्यूस करना होगा। जावास्क्रिप्ट में हम आईडी के थ्रू वर्क करते हैं, तो इसका आईडी में दे रहा हूं फर्स्ट, इसका आईडी सेकंड, इसका आईडी में दे रहे रिजल्ट। और हम चाहते कि जैसे कोई ऑन क्लिक करे तो यहां पे फंक्शन करो ऐड। तो हमें जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसका हमें नाम देना होगा ऐड। अब जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करने के लिए यहाँ पे स्क्रिप्ट सेक्शन बना के रखा है, तो यहां मैं बना रहा हूं फंक्शन ऐड। वेरिएबल डन के हम लिखते हैं वेर, जैसे वेरिएबल का नाम ए इक्वल टू डॉक्यूमेंट, जो कि हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो इसके आईडी के थ्रू। तो जो फर्स्ट था उसका नाम था फर्स्ट। इसी तरह से हमें एक और वेरिएबल चाहिए बी, जिसमें हम सेकेंड वैल्यू को कलेक्ट करेंगे। हम यहां पे डॉट वैल्यू लिख देते हैं जिससे कि हमें उनकी वैल्यू मिल जाए। और हम यहां पे परफॉर्म करें वेर सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहां पे प्लस कॉन्केट कर देगा। अगर हम चाहते कि रिजल्ट सही आए तो हमें लिखना पड़ेगा वेर सी इक्वल टू न्यू नंबर ए प्लस न्यू नंबर बी। तो हम स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं डिस्प्ले हो जाए, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू जो भी सी की वैल्यू हो। अब दोस्तों ये फंक्शन तैयार हो चुका है। प्रोग्राम में आप लोगों के लिए ऑलरेडी सेव कर चुका हूं, आप देख सकते हैं मेरे कहां सेव किया। से मैंने इसे सेव किया डी ड्राइव में, माय ड्राइव नाम से जावास्क्रिप्ट फोल्डर में, और मैंने इसका नाम दिया add.html। अब ये हमने सेव कर दिया। अब जो ब्राउजर विंडो है यहां पे आपको कुछ ऐसा से लिखना पड़ेगा फाइल कॉलन ट्रिपल स्लैश डी कॉलन स्लैश माय ड्राइव जावास्क्रिप्ट add.html। या अगर आप चाहें तो माय कंप्यूटर की मदद से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर टाइप कर रहा हूँ, जैसे 9, यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ 2 और कह रहा हूँ प्लस। तो आप देख सकते हैं एडिशन में मिल रहा है 11। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और कुछ और नंबर ट्राई करते हैं और कहते हैं ऐड। आप देख सकते हैं अभी भी रिजल्ट मिल रहा है। इस लाइन को डिसेबल करके इस लाइन को एक्टिवेट कर देते हैं। फिर से मैं सेव कर रहा हूँ और फिर से मैं स्क्रीन को रिफ्रेश कर देता हूँ और फिर कुछ नंबर टाइप करते हैं, जिससे मैंने यहाँ टाइप किया 2 और यहाँ टाइप किया मैंने 4, तो हमें मिल रहा है 24 क्योंकि ये कॉन्केट हो गया। दोस्तों आगे चल के मैं इसी प्रोग्राम में आप लोगों के लिए इम्प्रूवमेंट करने वाला हूँ। अभी मैंने HTML और जावास्क्रिप्ट को साथ में रखा है, हम चाहें तो जावास्क्रिप्ट को एक सेपरेट फाइल में भी रख सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस में आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट को एक सेपरेट फाइल में रख सकते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों।